सिटो सिटो इन्हां नूं बाहर जिहड़ियां बाहर सिटण वाली चीजा इन्हां नूं इधर साइड ते सिटो आ इन्ना खाली मैदान पिछे छड्डिया खाली मैदान दे विच चीजा सिटो इन्हां दा सारा यब नबेड़ी अज शानी साडी मार्केट दा कुत्ता आदमी शानी ओहदे वर्गा लगदा जा स्पोर्ट शूज इसके साथ कुछ मेरी बहुत अच्छी यादें थी। अब मैंने इनको स्प्रे करके नए भी किया था लेकिन इनके हालात बड़े खराब हो गए थे। हेलो अस्सलामु अलैकुम भाई लोग, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी खिदमत में हाजिर है ज़ियाद व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है ना? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बार बार यही कही जा रहा है क्योंकि यार आप लोगों का हालचाल पूछना मेरी ड्यूटी है यार। तो आप लोग बताओ कमेंट्स में, अपने बताया करो कैसे है आप लोगों के हालचाल। तो यार आज मैं उठा था, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपका भाई बड़ा पप्पू शप्पू बन गए, सूट वगैरह पहन के बड़ा आया है, रेडी शेडी होकर बड़ा शीशे के आगे खड़ा हो गया आपका भाई भी लोग कर रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात हो गई? टेंशन वाली बात नहीं, वैसे टेंशन वाली एक्चुअली बात है अभी क्योंकि आपके भाई की तबीयत हुई है खराब रात की। दरअसल प्रॉब्लम हुई है बहुत ज्यादा, आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम हुई क्या है। आप मेरे साथ ये देखें, ओए हाय, जिंदगी में सारी तकलीफें बर्दाश्त हो जाती हैं अगर चलने की बीमारी बंदे को लग जाए ना। ये जो बंदे को पहली बीमारी, मुझे तकरीबन ये 8-9 साल से है, मेरे नाखून जो है खराब हो जाते हैं यार, वो मास्क के अंदर की तरफ धंस जाते हैं जिसकी वजह से यार मुझे नाखून मेरे जब मास्क के अंदर चले जाते हैं इतनी पेन होती है ना जिसकी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो अब मैं अभी उठा था, दुकान पे भी नहीं गया, बच्चों को लेने जाना था वो भी नहीं लेने गया। मेरे पाओं की हालत इतनी खराब थी, मैंने अब नीचे सॉक्स पहन के पट्टी करके फिर ऊपर उसके एक सॉक्स से गिरा दिया, सॉक्स से गिरा दे के ऊपर शॉपर बांधा, फिर मैं अभी नहा के तैयार शहर हो गया। अब नमाज तो नहीं ना छोड़ सकते यार, देखो ना अभी इतनी छोटी सी दर्दों के लिए उधर तीर लग जाते थे जब दाने करबला थी, जंगों में तीर लग जाते थे वो नमाजें नहीं छोड़ते थे और हम इतनी सी पेन लेकर नमाज छोड़ते हैं। तो यार फिर ये तुम्हारी गल है ना यार, तो फिर नमाज सारे लाजमी पढ़ा करो। अब मैं असर की नमाज का टाइम भी होगा वो भी पढ़ने जा रहा हूँ। आके आज जो लोग होगा ना, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज का लोग आज इतने ज्यादा जूते हैं ना, वो जूतों में से जो सही जूते हैं वो रखने हैं, बाकी जो जूते हैं वो किसी गरीब को या जो बिल्कुल खराब हो गया वो कहीं सूट देंगे, ठीक है ना। एनीवेज हो गया जी, वेलकम बैक हो गया तुम लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ैद भाई को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगर व्लॉग को ज्वाइन कर लोगे इट्स मीन के चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लोगे तो आप लोग मेरे गैंग के मेंबर बन जाएंगे। और आई होप के आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मैं जल्द से जल्द ही बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने वाला हूँ। पाकिस्तान का 2023 का जो अवार्ड है ना, अवार्ड मेरे ख्याल से होते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो यार बन लाया करने हैं हमने, तब तक जैसे मर्जी करके करने करने जरूर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपका सब्सक्राइब बटन दबाना है आप लोगों ने, और आप लोगों का शेयर और लाइक ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आप लोगों के तावन से मैंने आगे बढ़ना है। और आगे फिर आप लोगों को पता ही आपका भाई कितने बड़े दिल का है, क्योंकि यार आप लोगों के लिए फिर आएगी बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी गेम्स। जो मैं पैसा यूट्यूब से इनकम मैंने कमानी है वो सारी अपने लिए नहीं, बल्कि वो सारे पैसे हर मरतबा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करने हैं। जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतने ज्यादा पैसे आप लोगों में बांटे जाएंगे, आप लोगों के लिए बनेंगे, क्योंकि एक अमेरिकन मिस्टर बीस्ट है एक पाकिस्तानी मिस्टर ज़ैद बनेगा। मिस्टर ज़ैद जब बनना है ना मैंने, तो बनना है यूट्यूबर ऑफ द ईयर, जिस दिन अवार्ड हाथ में आना ना पीसा अवार्ड, फिर बादशाह मौजा लग जानिया ने। तो गाइस बिना वक्त जाया किए हुए मैं जा रहा हूँ असर की नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के घर आ चुके हैं और अब हमने करना है जूतियों का थोड़ा सा खलारा जो है वो चूक रहे हैं, उसमें से बताया आप लोगों को कि जो जो काम की हुई वो काम की निकालेंगे वरना बाकी जो हुई उसको फेंक देंगे। ओए होए, तो उससे पहले यार अब ना एक काम करने वाला रह गया, वो है कि जो पाँव जो अंगूठे की है ना पट्टी, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाली है। आप लोगों को तो हंस आ रहा होगा लेकिन मेरी जान निकल रही है पाँव की दर्द की वजह से। तो आए पहले उसकी अनबॉक्सिंग कर लें, उसके बाद फिर अगले काम की तरफ जाते हैं। तो आए हाय, पहले इसकी गिरा खोल के आए, मजे 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 मजे, होए होए ये देखें, ये मैंने ऊपर शॉपर बांधा हुआ था, मैंने बताया ना आप लोगों को मैं नहा रहा था, नहाने से पहले मैंने इसके ऊपर ये मोजा अपना एक स्पेशल काटा है, मोजा काट के इसके ऊपर बनिया आया था जिससे चस आ गई है, पाँव भी नहीं गीला हुआ और जख्म भी अंदर से ठीक ही है तकरीबन, पेन थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन फिर भी कुछ कुछ ठीक है। तो चलें अब आए चलते हैं उस मोड़ की जाना जो हमने करना है इस ब्लॉग के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं जी, चलो जी पहले स्टोल चुकी है आए, चलो जी हूँ खाई जाओ, बहाओ मैनु हम केड़े केड़े ने, आले बूट भी रखो ए मैं पाने ने रंग बिरंगे बूट भी वहाओ, भला जुत्ती का मसला है 8 नंबर साइज़ ही है, किसी दे लादा घर पाने वास्ते लिया है।
ਅਭੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਵਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੋ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਇਹ ਤਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 6 ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ 6ਵੇਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਫੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਕੋ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੰਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਬੂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਹਾਏ ਇਹ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 5-600 ਰੁਪਏ 500 ਦੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ 7-800 ਦੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਸਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਾਲਤੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਡ ਕੀ ਖੇੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਹੋ ਆ ਖੇੜੀ ਆ ਆਹੋ ਆ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਖੇੜੀ ਆ ਆ ਖੇੜੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ब्रांडा थले शायद पाते फलाने बंदे नूं देने ऐ उंज कोई माड़ा बंदा आएगा माड़े बंदे नूं कोई आ दे देंगे चीज एदो ही थले पाने वाली जुत्ती है भला पिछले साल नवी दुकान बनाई सी तो गाइस ये वाले जो मेरे पुराने सैंडल पड़े हुए हैं ये मुझे अब मिले हैं इतने पुराने सैंडल है मेरे और ये मुझे अब जाके कहीं मिले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको इस्तेमाल करते हैं इन्हें बाहर रखो इन्हें पॉलिश मारने हैं पॉलिश पुलिश मार के इन्हें 0 मीटर करके हले नहीं हूं मैं नमाज असर पढ़ के आनी है फिर आके इन्हें इस्तेमाल करा फिर ला लेना बहार रहन दो इन्हों जुतियां का कबाड़खाना लाया ना तुम यकीन करो कि ए खोलो हाँ की है ए नीले बूट तो नहीं क्या डब्बा खाली है ए पता नहीं हम ए की है इतने एक खाली डब्बा भी पिया जे आओ रखो आ ए ग्रे बूट पा दो हाँ जी आ ग्रे बूटे चलो आ ए पा दो ना आ ए पा दो चलो जी जुत्ती दुकान रख दे आहो चलो आना मेरे स्पोर्ट शूज इन्हों का कबाड़ा हो गया वाइज ये देखे मेरे स्पोर्ट शूज इसके साथ कुछ मेरी बहुत अच्छी यादें थी अब मैंने इनको स्प्रे करके नए भी किया था लेकिन इनके हालात बड़े खराब हो गए थे तो फिर मैंने अब सोचा कि ये अब किसी गरीब को दे देंगे 3000 के शूज मैंने लिए थे अब किसी गरीब की किस्मत में करते हैं क्योंकि यार हमने नवी लाया कर देंगे पैसे नहीं आए इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ यार अपने भाई को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो वीडियो को ताकि पैसे आने शुरू हो आपके भाई को हाँ जी अभी रहने दो अभी काम के शूज ने ये जैने के शूज है इन्होंने ताले मैं कड़ के होर के बूट च पाए चलो जो भी आ मोजा दूसरा भी लभ लागे यह खाली है ये सुटो इन्हों आहो रब ने अजीब ही किस्म का कुत्ता इंसान है ना दुनिया से आया वो रब ने तो चंगा बंदा बनाया पर पता नहीं की है बंदा एनीवे जी आज ये लोग मोटरसाइकिल टूप आ मोटरसाइकिल टूब इन्होंने सामी ये कितने पेंचर पुंचर हों मोटरसाइकिल फिर बाद टूब कटा के बेचा हालांकि गाइस आज का जो आप देख रहे हैं ना वो लोग कितनी मेहनत वाला व्लॉग बन रहा है इतने ज्यादा शूज है मेरे पास अब उसमें से जो कुछ माड़े हैं कुछ गंदे हैं वो सारे निकालते हैं बाहर फिर उनका देखते हैं क्या करना है किसी को देने हैं किसी को दे देंगे वरना फेंकने वाले हुए तो फेंक देंगे एनीवेज तो आजकल जो कंडीशन हुई पड़ी हमारे मुल्क की किसी को फटे भी मिल जाए तो वो भी पहन लेते हैं बेचारे इन्हों का की करना इदा दिन जुतियां का यार सिटो बाहर गाइस ये देखें ये भला चीज पहनने वाली है ये देखें कितना कितना बुरा उसका हाल हुआ पड़ा सिटो सिटो इन्हों बहर जेडिया बहर सिटन वाली चीजा इन्होंने इधर साइड से सिटो आ इना खाली मैदान पिछे छड़िया खाली मैदान चीजा सिटो इन्हों का सारा यब नबेड़ी है अज की बस हूं अंदरों सफाई सफुई करो हम मेरे मुतलक दसो इतने मेरे कोई मेरे को पुछने वाली शायद नहीं रहेगी जी कोई मैं दसनी हो मैं पुछ लो नहीं तो अगो मैं फिर अजान होंगी हूं तो मैं अजान नमाज पढ़ के नमाज पढ़ जाना फिर मैं हले सवेर का खादा कुछ नहीं तो यार एनीवेज हो गया जी कैसे यार सब लोग ठीक है आ पता नहीं दाओ हाँ बना रहा शाइनर शाइनर की सूरत हाल तो खत्म हो गया वो शाइनर इधर ना पासा खोल के मैं पता नहीं एक पासा सही है एक पासा खराब आ शाइनर अद्धे तो खराब हो गए है खली मली हो गया लगता मेनो
ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਲੈ ਲਾ ਖਾਤਾ ਇਹਨੇ ਆ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆ ਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆ ਢੱਕਣ ਲਾ ਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲੋ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਆ ਤੇ ਦੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਗਾਇਸ ਇਹ ਆ ਦੋ ਫੈਂਕ ਦੇਂਗੇ ਬਾਹਰ निकाल दी जो इस्तेमाल वाली है कोई तीन चार जोड़े बूटों के रखे हैं और दो तीन जोड़े जो है एक सैंडल रखा है मेरे ख्याल से और एक आधी चप्पल है बस इतना सा भाई आपका अमीर है इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा अमीर करने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है ताकि आपका भाई बड़ा यूट्यूबर बन सके यार तो टेंशन ही लेनी आप लोगों ने यूट्यूबर बनने के बाद आप लोगों को फायदा होना उससे मुझे कोई फायदा नहीं होना तो यार आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि यार बस ना इस तरह ही रोज मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग के बीच बढ़ गया हूँ मैं अब तो इंशाल्लाह ताला ना अब डेली व्लॉगिंग आती रहेगी तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए स्टे ट्यून भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को आखिरी बार फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक और मजे के तब तक के लिए ओके बाय।